और ये हॉली हॉक आप देखें, दोबारा से इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। और इसके सीड बन रहे थे, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ सीड बन जाए और क्योंकि मुझे उसको क्लैक करना है। और ये देखें गुच्छों में फ्लावर्स, ना कोई हसीन लगते हैं ना ये, कि बस क्या बताऊँ। तो हॉली हॉक का जो प्लांट था, उस वक्त मैंने उसकी आपको डिटेल बताई थी, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, लेकिन सीड्स उस वक्त तो बने नहीं थे, तो मैंने कलेक्ट करना नहीं बताया था। अब जो है मेरे सीड्स जो है इस पर बन चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि कैसे इसको कलेक्ट करना है और कैसे आपको इसको सेव करना है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह जो है ये इस तरह की बर्ड्स मैंने बताया था बनेंगी। आफ्टर फ्लावरिंग क्या होगा कि ये फ्लावर से पहले की बर्ड थी, और आफ्टर फ्लावर जो है ये फ्लावर झड़ने के बाद इस तरह की बर्ड बनेगी। और आपने जब ये इस तरह बर्ड बन जाए और बिल्कुल इस तरह ड्राई आउट हो जाए, और उसके बाद ये देखिए इसके अंदर मैं बताती हूँ, ये देखिए सीड्स भरे हुए। तो इसको आपने कटिंग कर लेना है, और जितनी भी बर्ड्स हैं उस सबको कटिंग करके आपने इसको कलेक्ट कर लेना है। मैं दिखाती हूँ कैसे कटिंग करनी है। नहीं यार, ये देखिए मैंने सीड्स ये काफ़ी सारे कलेक्ट हो गए, इसी से बहुत सारे होंगे। ये आपने क्या करना है, बर्ड को पकड़ना है और इस तरह ओपन करना है, और एक ही से ये देखिए कितने सारे सीड्स इसके निकल आए हैं। और ये सब इसके सीड्स हैं, देखें ब्लैक हो चुके हैं, ये ड्राई हैं, ये आप सेव कर लें। और नेक्स्ट जो है ये अक्टूबर नवंबर में लग जाएंगे और बहुत सारे आपको इसके प्लांट्स मिल जाएंगे। मैं ये वाले इसी तरह सेव करूंगी, और जो बाकी है वो मैं इसी तरह जो है इसको सेव कर लूंगी, निकाल के नहीं करूंगी। आपने इसको पेपर बैग में रखना है, और उसके बाद किसी भी पॉलीथीन बैग में इसको डालकर लगाना है। पेपर बैग में ना हो तो आपने इसको क्या करना है, न्यूज़पेपर में डाल के रख लेना है। ठीक है जी।